नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। अंबेडकर महरुआ थाने पर किया गया पीस पार्टी का आयोजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 26 सितंबर दिन रविवार को माननीय बीटी एसडीएम महोदय और बीटी सीईओ रुक्मणी वर्मा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम के त्योहार को लेकर महरुआ थाने पर पीस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम महोदय और सीईओ बीटी रुक्मणी वर्मा द्वारा आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों से कोविड-19 को देखते हुए सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की और आए हुए दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और डीजे पार्टी के सदस्यों से अपील की गई कि 3 फुट से ज्यादा की मूर्ति नहीं बैठा ली जाएगी और मूर्ति विसर्जन के दौरान महरुआ थाने पर थाना अध्यक्ष को सूचित करना होगा कि मूर्ति विसर्जन कहां पर किया जाएगा और किस रास्ते से मूर्ति को लेकर जाएंगे, ताकि प्रशासन आपकी मदद कर सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना ना घटे। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे नहीं बजाया जाएगा और ना ही जुलूस निकाला जाएगा। शांतिपूर्वक एक मूर्ति के साथ अधिकतम 5 लोग ही विसर्जन करने जाएंगे और सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति ना बैठा लें, जिससे किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी को देखते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। पीस पार्टी में लगभग सैकड़ों सम्मानित लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा आए हुए सम्मानित व्यक्तियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो महरुआ थाना आपकी सेवा में तात्पर्य है। लाइव टीवी समाचार के लिए जिला प्रभारी अम्बेडकर नगर संतोष सिंह की खास रिपोर्ट। थाने पर पीस कमेटी की बैठक हुई है, तो पीस कमेटी की जो बैठक हुई है इसके बारे में आप आए हुए हैं, क्या जानकारी दी? आज चेहल्लुम और दुर्गा पर्व को लेकर के थाना महरुआ में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें लोगों को बताया गया है गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार का त्यौहार को मनाया, मूर्तियों को यथासंभव बता रखें, संख्या जुलूस के रूप में मूर्तियों को न ले जाए और जिस मार्ग से ले जाएंगे उस मार्ग को हमें चिन्हित कर दें, बता दें जिन घाटों को विसर्जन करना चाहते हैं उन घाटों को हमें चिन्हित कर दें, जिससे हम पर्याप्त सुविधा वहाँ व्यवस्थाएँ रखें। रामलीला के मंचन के बारे में आगे रामलीला मंचन जहाँ पर वहाँ पे वॉलंटियर्स की नियुक्ति कर दें, जिससे कि जो रात महिलाएँ निकले उनकी जैसा कि कुछ लोगों ने डीजे के ऊपर कुछ पसंद किया कि इतनी धूम होनी चाहिए, उसके बारे में आप डीजे का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित है कि 90 डेसिबल से ऊपर आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये पहले तो सजेस्ट किया गया कि यथासंभव डीजे को न लगाएं और यदि कोई लगाता भी है तो वो उसकी निर्धारित सीमा के अधीन होता है, जिससे न्यायालय के आदेश का अवमानना न पड़े। कमेटी वाले 10 फीट से अधिक मूर्ति बुक कर चुकी है, उनका क्या होगा? कमेटी वाले ज़्यादा नहीं, मूर्तियाँ बड़ी नहीं लेनी है, मूर्तियाँ छोटी रखनी है। अब ये हमारे संज्ञान में तो कोई ऐसा मूर्ति वाला नहीं आया। अच्छा, आपके फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।